देखिए तमाम सांसद हैं लेकिन वो एक जगह खड़े नहीं हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं और दोनों यहाँ पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं। कार्ति चिदंबरम मुझे दिखे, विवेक तनखा मुझे दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे। हाँ ये बात है कि अगर आप कहिए बड़े नेताओं में राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए यहाँ पर, विजय चौक पर सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं दिखाई दी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर हैं। विपक्ष के तमाम नेता हैं, सुप्रिया सुले मुझे दिखाई दे रही थी, मनोज झा मुझे दिखाई दे रहे थे आरजेडी की तरफ से, और जो दक्षिण भारत की पार्टियाँ हैं डीएमके के AIADMK तमाम लोग जो संसद के अंदर थे उनमें से कुछ बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं भी यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता यहाँ पर है नहीं। दिग्विजय सिंह को आप अभी भी देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मार्च करते हुए बाहर आए हैं, लेकिन जो पूरी संख्या थी 142 की, उतने सांसद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आए हैं। वो बात आपकी सही है कि उतने सांसद यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ ही सांसद आए और कुछ सांसद अभी यहाँ पर मिसिंग हैं। और पार्टी की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आए। दिग्विजय सिंह बहुत बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी एक सवाल छोटा सा दे दीजिए, आप लोगों को मार्च करके यहाँ तक आना पड़ा, बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों ने अपमान किया संसद का। बात आप भूल जाते हैं, मुद्दा क्या है, जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई उसमें सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई। अब सिक्योरिटी ब्रीच में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी गृह मंत्री का बयान ना हो, गृह मंत्री जी से हम और क्या चाहते थे, बयान दे देते क्या, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बात हो जाएगी, लेकिन उसको अब नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर ये बात आई, सब लोगों को सस्पेंड कर दिया, ये तो उचित नहीं था ना। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये जो सीटें खाली हैं ना, जो सीटें खाली हैं अगले चुनाव में भी भरने वाली हैं। देखिए ये सब तो उनको जो कहना है कहिए, अब ईवीएम की तैयारी तो यही है कि 400 पार है। ईवीएम का मतलब दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं आप, ईवीएम का मतलब क्या हुआ, ईवीएम की तैयारी? सर दिग्विजय सिंह जी आप भी चले जाइए, कहाँ जाना है? ये देखिए दिग्विजय सिंह एक महत्वपूर्ण बात करके गए हैं यहाँ पर, उन्होंने सवाल उठाया ईवीएम पर, कह रहे हैं ईवीएम की तैयारी तो यही है कि 400 सीटें जीत सकती है बीजेपी। तो दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन में जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से भी पिटीशन कई दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ, और पिछले दिनों जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की उसमें भी ये कहा गया था कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसकी पूरी काउंटिंग होनी चाहिए और उसको मिलान करना चाहिए, एक तरह से बैलेट पेपर की तरह ही एक रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि जो संशय है, जो शक है, वो खत्म हो जाए। तो दिग्विजय सिंह बड़ी बात कह के गए, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार और ज्यादा सीटें आनी चाहिए, जो पीछे की कुर्सियां हैं वो भरनी चाहिए संसदीय दल की बैठक में, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 400 सीटें आ सकती हैं क्योंकि ईवीएम है।